कुछ सालों में अगर पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया तो उसका जिम्मेदार भारत नहीं बल्कि चीन होगा। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कोसने वाले इमरान खान ने शायद अपने देश की जनता को ये नहीं बताया कि वहां कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान की जनता में करीब 50 लाख चीनी जुड़ जाएंगे। ये सुनकर बेहद खतरनाक लगता है कि पहले से ही पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बर्बाद कर चुका चीन अब किस तरह से पाकिस्तान में अपनी आबादी बढ़ाने में लग गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन किस तरह से पाकिस्तान को तिब्बत की तरह कब्जा लेगा। दरअसल पाकिस्तान की हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अगले 4 साल में पाकिस्तान मिनी चीन बन जाएगा। पर सवाल है कि आखिर चीन पाकिस्तान में 50 लाख लोगों को क्यों बसा रहा है? इसका जवाब है चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के जिंगजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इस परियोजना में चीन के लाखों लोग काम कर रहे हैं। अब उन्हीं लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चीन पाकिस्तान में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान में निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चीन 2025 तक अपने 50 लाख नागरिकों को भेजेगा। ये संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की आबादी में 2% से भी ज्यादा चीनी नागरिक होंगे। चीन के बाहर पाकिस्तान को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इतनी बड़ी तादाद में चीनी नागरिक काम करेंगे। जानकारों का मानना है कि चीन इस तरह के प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान की सरकार पर अपना शिकंजा और मजबूत करेगा। पाकिस्तान इस समय चीन के कर्जे तले पूरी तरह से दबा हुआ है। चीन ने सीपैक योजना में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रखा है। पहले सीपैक परियोजना पर 46 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था, लेकिन अब यह बढ़कर 87 अरब डॉलर हो चुका है। ले देकर अब चीन के पास सिर्फ पाकिस्तान ही बचा है। चीन के लिए पाकिस्तान इसलिए भी जरूरी है ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। चीन की ये चाल लगभग वैसी ही है जैसी उसने तिब्बत में चली थी। तिब्बत में भी चीन ने धीरे धीरे अपने लोगों को बसाकर वहां के मूल लोगों को भगा दिया और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अगर इसी तरह से पाकिस्तान की सरकार चीन के सामने घुटने टेकती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान की आम जनता को भारत से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोस में चल रही चीन की इस खतरनाक साजिश को सिर्फ भारत ही नाकाम कर सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान इतना अलग थलग पड़ चुका है कि दुनिया का कोई और देश उसे बचाने नहीं आएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कितना खतरनाक है चीन का ये प्लान। चीन बड़ी तेजी से पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि चीन के खाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में गधे पैदा किए और उन्हें चीन को एक्सपोर्ट किया। चीनियों ने पाकिस्तान लड़कियों को भी अपने यहाँ शादी का झांसा देकर बुलाया और बाद में उन्हें सेक्स स्लेव बनाया। पाकिस्तान ने अपनी तीसरी भाषा के तौर पर चीनी भाषा को मान्यता भी दे दी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक के नाम पर चीन ने अरबों खरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान में किया है। अब वहाँ तैनात चीनियों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर खुद पाकिस्तान के स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े अधिकारियों ने स्वीकारोक्ति दी है कि सितंबर में ही ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए जा रहे हैं। इसके तहत 2025 तक 50 लाख चीनी पाकिस्तान में आकर रहने लगेंगे। ये चीनी कहने के लिए तो सी पैक में कार्यरत चीनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, पर दरअसल इन चीनियों को पाकिस्तान में बसाया जा रहा है एक रणनीति के तहत। दरअसल चीन के ऊपर अपनी जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव है और उसको नए संसाधन और नई ज़मीन चाहिए। 50 के दशक में उसने तिब्बत पर कब्ज़ा किया और आज उसने तिब्बत की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है, जहां पर मूल तिब्बती निवासियों से ज़्यादा तादाद हानवंशी चीनियों की है। अगर 2025 तक 50 लाख चीनी पाकिस्तान में सेटल हो जाएंगे, पाकिस्तान में बस जाएंगे, तो डेमोग्राफी का संतुलन किस तरह बदलेगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
अभी चीन के जो लोग पाकिस्तान में तैनात होते हैं उनका रवैया बहुत ही अड़ियल और अखड़ होता है। पीछे कई बार ऐसी खबरें आईं, वीडियो आए, जिसमें सीपैक पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और चीनी वर्कर्स ने पाकिस्तान की पुलिस पर शराब पीकर हमला किया और पुलिस ये कहते सुनी गई कि अरे कुछ मत करना, ये चीनी है। ये मानसिक दबाव है पाकिस्तान की जनता के ऊपर, यहाँ तक कि पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर चीन का। तो जब ये तादाद 50 लाख हो जाएगी तो पाकिस्तान में चीन का किस तरह दबदबा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।